जेल जाने के लिए तैयार हो जाइए मासी जी। वो आपने फोन किया था, देखा नहीं मुझे, क्या हुआ माँ? दुष्यंत, इससे पहले की हालात और बिगड़े, ये आभा बाजी हमारे हाथ से मार ले जाए, प्रतिभा को वहां से हटाना पड़ेगा। ये क्या बदतमीजी है? चाबी। भगवान, मैंने जो भी किया एक अच्छा इंसान होने का फर्ज निभाने के लिए किया। मैं मानता हूं मैं अपनी पत्नी और बेटे का कसूरवार हूं। वो दोनों जो भी सजा मुझे देंगे मुझे मंजूर है। कहीं वो आभा प्रतिभा को ढूंढ ना ले। चल जल्दी चल। माँ का दिल बहुत कोमल होता है, अगर आपने सांस भर ली होती ना। बेटा आज आरती तुम ही शुरू करो। आजा। अरे आ ना, आजा। आभा करण को आरती की थाली दो। माँ शेरावाली आती है मुझे। वो नहीं चलेगा, आरती की डील नहीं की हमने। अरे 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 क्या हुआ? करण दुकानी थाली थाली ओवर एक्टिंग हो गई। आप लोग करो। नहीं आप लोग करो। उस खिड़की से अंदर आया था, आप भी मेरे साथ उसी खिड़की से बाहर चलेंगे। इधर पिएगा भाई, चीख चीख करेगी। चलो ना। एक कहाँ से आ गया? ताला इतने बड़े घर में चीज नहीं है। अरे मम्मी, जिसे तुम खोज रही हो ना आभा, वो खुशी में तुम्हें कभी हासिल नहीं होने दूंगी। और जो घिनौना काम आप करना चाहती हैं, वो हम कभी होने नहीं देंगे। पोस्टर निकला हीरो। माँ कैसी हो? कहाँ चली गई थी आप? मिट्टी, अब हमें छोड़ के मत जाना माँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर इस बार तुम्हें खो देता मैं,
मुझे नहीं पता प्रतिभा, मेरी जिंदगी में वापस आकर मुझे जीने का नया मकसद दिया है तुमने। शायद ऐसे जाना नहीं लिखा है मेरे नसीब में। बहुत सारी बातें अधूरी हैं हमारे बीच। मुझे आपसे बातें करनी है, बहुत सारी। माँ, माँ, वो प्रतिभा भाग गई। किसकी बात करूं, अपनी या गैरों की? अपनों की प्रतिभा। तो बताइए, केस नंबर 777 का इंसाफ मुझे कब मिलेगा? मुझे सब कुछ पता है, दाई बने सब कुछ बता दिया मुझे आश्रम ने। वो तुम थी जो मुझे चिट्ठियां भेजा करती थी, मैसेजेस भेजा करती थी, और वो किताब। नहीं जानते आपने हमारी कितनी बड़ी मदद की है। अब माँ और स्वर्ण भवन दोनों हमारे पास हैं।